हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर संवेगात्मक बुद्धि का, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उससे पहले हम समझेंगे कि संवेग क्या होते हैं। तो संवेग शब्द जो है अंग्रेजी के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और इस शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है, लेटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, उत्तेजित करना होता है। तो संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा को कहते हैं। ठीक है, संवेग यानी इमोशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सुखद संवेग और दूसरा होता है दुखद संवेग। तो सुखद जो संवेग होते हैं, तो उस समय जो है हम खुश रहते हैं, हर्ष उल्लास इस तरीके का जो है हमारा व्यवहार भी होता है। ठीक है, दुखद संवेग जो कि नकारात्मक संवेग होते हैं, जैसे कि क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, ये सभी दुखद संवेगों में आते हैं। तो ये जो दोनों संवेग हैं, सुखद संवेग और दुखद संवेग, इसके लिए भी जरूरी है कि सही समय का इंतजार करना चाहिए। यूं ही हम बैठे हैं और यूं ही हम हंस पड़े, यूं ही हम खुश हो रहे हैं, ठीक है, या हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है क्रोध कर रहे हैं, कोई भी वजह नहीं है। तो ये जो संवेग है, ऐसे संवेग वाले व्यक्ति जो है वो कम बुद्धि वाले कहलाते हैं। लेकिन इन संवेगों पर कंट्रोल करके जो व्यक्ति कार्य करता है, तो वो व्यक्ति जो है वो अधिक बुद्धिमान कहलाता है। ठीक है, अरस्तु जो है वो क्या कहते हैं कि जो क्रोध संवेग है, क्रोध संवेग है जिसमें क्रोध करना बहुत आसान है, क्रोध करना बहुत आसान होता है, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति के साथ और सही मात्रा में क्रोध करना ये आसान काम नहीं है। जो व्यक्ति इस काम को कर लेता है, क्रोध उसको करना है, लेकिन वो इंतजार करता है सही समय के आने का। जिस व्यक्ति पर क्रोध करना है उसी व्यक्ति पर कर रहा है, जितना क्रोध करना है उतना ही वो करता है, तो वो व्यक्ति जो है अपने संवेगों पर काबू पा लेता है और ऐसा व्यक्ति ही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। अतः संवेगों पर नियंत्रण ही संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्वयं की और दूसरों की भावनाओं या संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपनी और दूसरों की भावनाएं जो होती हैं, उनको पहचानने की क्षमता, अलग भावनाओं के बीच भेदभाव, उन्हें उचित रूप से लेवल करना, सोच व्यवहार मार्गदर्शन करने के लिए भावनात्मक जानकारी का उपयोग जो है वही क्या कहलाता है, संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। जहाँ पर व्यक्ति जो है खुद के संवेगों को भी समझता है, उनको सही समय पर व्यक्त करता है, उनको नियंत्रण कर पाता है, दूसरों की भावनाओं को पहचान पाता है, तो यही क्या है, संवेगात्मक बुद्धि है। जब हम भयभीत होते हैं तब हमारी बुद्धि कार्य नहीं करती है। ठीक है, शरीर में पसीना आ जाता है और हम कांपने लगते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, और ये उत्तेजित दशा क्या है, संवेग है। और इसी संवेग पर हमने यदि काबू पा लिया, हमें जो है डर लग रहा है और हम नहीं डरे, हम ये सोचने लगे कि हमें जो है किसी भी तरीके से किसी भी हालत में डरना नहीं है, हमने अपनी बुद्धि जो है जो कि हमारी कार्य नहीं कर रही थी, हमने जो है उसका उपयोग किया बुद्धि का, और हम उस सिचुएशन में भयभीत नहीं हुए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अधिक बुद्धिमान कहलाता है, और यही संवेगात्मक बुद्धि होती है। ठीक है, सर्वप्रथम 1990 में संवेगात्मक बुद्धि का विचार, कंसेप्ट जो है किसने दिया, डॉक्टर मेयर और सैलोवो ने दिया। इनकी बुक का नाम क्या है, व्हाट इज ईआई, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, कि जो संवेगात्मक बुद्धि है वह क्या है। तो ये कहते हैं कि एक अच्छी जो बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति होता है, तो वह अच्छी बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति अच्छी सफलता पा सकता है, पर सबसे ऊपर पहुंचने के लिए भावनात्मक समझ का होना बहुत जरूरी है, संवेगों का समझ होना बहुत जरूरी है। और अच्छी भावनात्मक समझ रखने वाला व्यक्ति कभी भी जो है क्रोध या खुशी के अतिरेक में आकर जो है गलत कदम नहीं उठाता है, बैलेंस जो है उसके अंदर होता है। तो एक व्यक्ति की सफलता में 80% योगदान किसका होता है, संवेगात्मक बुद्धि का होता है, और मात्र 20% योगदान जो है उसका बुद्धि लब्धि का होता है। 1995 में गोलमैन ने अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि
बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, ये इनकी पुस्तक का नाम है। कई बार एग्जाम में ये पूछी गई है। गोलमेन ने सूत्र दिया संवेगात्मक बुद्धि का, संवेगात्मक आयु बट्टे कालानुक्रम आयु गुणा 100, ठीक है, इमोशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100। ये किसका सूत्र है? संवेगात्मक बुद्धि का है। जबकि हमने बुद्धि लब्धि का सूत्र देखा था, वह क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो गोलमेन क्या कहते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि जो है बुद्धि का वो रूप है जिसे व्यक्ति के संवेगों के साथ हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, और इसके आधार पर व्यक्ति अपने संवेगों को समझ सकता है और पहचान सकता है और उनको जो है कंट्रोल भी कर सकता है, और इसके साथ साथ व्यक्ति जो है दूसरों के संवेगों को भी समझ सकता है, भावनाओं को भी समझ सकता है, उनको पहचान भी सकता है और उनकी भावनाओं जो है उनको भी कंट्रोल कर सकता है। गोलमेन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व इन्होंने बताए। कौन कौन से? याद रखने हैं ये 5 तत्व जो हैं वो एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। स्वय जागरूकता, आत्म संयम, आत्म अभिप्रेरित, सामाजिक कौशल और पनानुभूति समूह। तो इनको जो है वो अच्छे से जो है वो आप लर्न कर लें। स्वय जागरूकता, आत्म संयम, आत्म अभिप्रेरित, सामाजिक कौशल और पनानुभूति समूह। वहीं पर जॉन मेयर और सैलेवो के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि के तत्व जो है इन्होंने 4 बताए। सबसे पहला जो है इन्होंने बताया कि व्यक्ति जो कि अपने संवेगों को समझ सके, पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना, ये सबसे बड़ा तत्व है। दूसरों के संवेगों को समझना, पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना। तीसरा देखिए, अपने संवेगों को अभिप्रेरित करना, और चौथा है दूसरों के संवेगों को अभिप्रेरित करना। तो ये जो 4 तत्व हैं संवेगात्मक बुद्धि के हैं, किसने बताए? जॉन मेयर और सैलोवो ने। फिर देखिए, संवेगात्मक बुद्धि को और अच्छे से समझते हैं परिभाषाओं के द्वारा। फ्रीमैन कहते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, इसको पहचानने में समझने का ढंग ही क्या है? संवेगात्मक है। डेनियल गोलमैन का कहना है कि संवेगों को जानने, देखभाल करने और संबंध स्थापित करने की शक्ति जो है संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। तो एक व्यक्ति जो कि अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, अपने इमोशन को भली भांति रूप से जानता है, देखभाल कर सकता है, ठीक है, किस सिचुएशन में उस संवेग का प्रयोग करना है वह कर सकता है, तो वही क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। जॉन मेयर और सैलेवो का कहना है कि संवेगात्मक बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा हम अपनी और दूसरों की भावनाओं का क्या करते हैं? संचालन करते हैं और अंतर करते हैं। हम खुद की भावनाएं जो हैं उनको भी पहचानते हैं और दूसरे की भावनाओं को भी पहचानते हैं और उनमें जो है अंतर करते हैं तथा उनसे निर्देशन प्राप्त करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि की क्या उपयोगिता है? संवेगात्मक बुद्धि जो है जीवन को सुखमय और शांति प्रिय बनाने में सहायक है। अब एक परिवार में एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा झगड़ालू है, हर बात पर जो है वो क्रोध करता है, ऐसी सिचुएशन ला देता है कि सभी जो है वो डगमगाने लग जाते हैं, तो जीवन जो है वो ऐसा लगता है कि पूरा दुखों से भरा हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि अपने संवेगों पर कंट्रोल करता है और बहुत सारी परेशानियां उसके सामने आ जाती हैं उसके परिवार के सामने, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है, अपने संवेगों पर कंट्रोल करता है और सही समय का आने का इंतजार करता है। तो जीवन को सुखमय और शांति प्रिय बनाने में सहायक है संवेगात्मक बुद्धि। समायोजन स्थापित करने में सहायक है, संबंध बनाने में सहायक है संवेगात्मक बुद्धि, भविष्यवाणी करने में भी सहायक है। इसके बाद देखें, समस्या समाधान में भी संवेगात्मक बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है और बहुत सारी जो टेंशन होती हैं उनको दूर करने में भी सहायक है। जीवन को संतुलन बनाने में और दूसरों का आदर करने में भी संवेगात्मक बुद्धि जो है इसकी उपयोगिता है। आत्मनियंत्रण में भी संवेगात्मक बुद्धि की प्रमुख उपयोगिता है। तो देखिए, अपने जो है संवेगों पर काबू पाना इस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब जो ज्ञानी जो संत होते हैं वो हमेशा देखिए वो शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने संवेगों पर काबू पा लिया है और इसी वजह से दूसरों को पहचानना ये शक्ति जो है उनके अंदर होती है। दूसरे की भावनाओं को समझना और खुद को समझना ये क्वालिटी जो है उनके अंदर होती है
और इसी वजह से लोग जो हैं उनसे मार्गदर्शन भी लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने संवेगों पर काबू पा लिया है। फिर देखिए, संवेगात्मक बुद्धि के भी कई परीक्षण किए गए। नाम आप ध्यान में रखेंगे, मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल जॉन मेयर का है, मेयर सेलोवी एंड कारुसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये मेयर पीटर सेलोवो और डेविड, इन तीनों का है, जिसमें 17 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए ये बहुत उपयोगी है। तीसरा जो टेस्ट है, बार ऑन इमोशनल कोसेंट इन्वेंट्री, ये रेयुबेन बार का है। मंगल संवेगात्मक बुद्धि मापने, ये डॉक्टर एल के मंगल की है। तो ये थोड़ा सा नाम जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। संवेगात्मक बुद्धि के जो टेस्ट हैं इनके बारे में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी जो है वो आप ध्यान में रख लें। संवेगात्मक बुद्धि के बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो एक तो व्यक्ति जो है, जो बालक जो है, वो आत्मविश्वासी होता है, खुद पर कॉन्फिडेंस उसमें रहता है, आत्मसत्कार की भावना होती है, कभी भी किसी को जो है बुरी दृष्टि से नहीं देखता है, बुरी भावना से नहीं देखता है और बुरा व्यवहार भी नहीं करता है, आशावादी होता है, हमेशा ये सोचता है कि ये कार्य करने से सफलता जरूर मिलेगी। संवेगों पर जो है वो चिंतन करता है ऐसा बालक, संवेगों को समझ जाना, ये संवेगों को समझ जाता है, क्योंकि जो बालक खुद को अच्छे से समझ लेता है, खुद की भावनाओं को समझ लेता है, संवेगों पर खुद के नियंत्रण होता है, तो दूसरों के व्यवहारों को पहचानने में भी ये सक्षम होता है। अच्छे अधिगम करता होता है, जिसका मन दिमाग जो है वो शांत रहता है, तो वो कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से सीख सकता है। स्वतंत्रता और नैतिक मूल्यों में विश्वास होता है इसका, संवेदनशील होता है, हमेशा प्रसन्नचित रहता है और इसकी जो अभिव्यक्ति होती है बिल्कुल स्पष्टवादी होती है, क्योंकि इसको पता होता है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी बात कहनी है। संवेगात्मक बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, अब ये संवेगात्मक बुद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो एक तो प्रभावित करता है अभिप्रेरणा, यानी कि आवश्यकता। अभिप्रेरणा का दूसरा अर्थ क्या है? आवश्यकता। आवश्यकता जो है वह संवेगात्मक बुद्धि को प्रभावित करती है, आत्मचेतना भी प्रभावित करते हैं, संवेगों की उचित अभिव्यक्ति जो है यह भी प्रभावित करती है। ठीक है, ये सब कुछ हम जो है वो पढ़ चुके हैं, अभिप्रेरणा का पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। वातावरण जो है वह भी प्रभावित करता है संवेगात्मक बुद्धि को, नेतृत्व की भावना, सहयोग, ये सब जो है संवेगात्मक बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान या मॉडल कौन से हैं? सबसे पहला है एबिलिटी मॉडल अंतर व्यक्तित्व, जिसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलोवे। तो इस मॉडल में दूसरों की भावनाओं को जानना, सहजना और उनका उचित प्रबंधन करना, ठीक है, तो जिसमें अंतर व्यक्तिक यानी कि जो व्यक्ति है वो दूसरों की भावना और खुद की भावना जो है उसमें अंतर, उनको जानना, उचित प्रबंधन करना जो है वह उसको आता है। ट्रेट मॉडल जो है यानी अंतरा व्यक्तिक यानी खुद के अंदर देखना, तो जिसके प्रवर्तक हैं के वी पैट्रिडस, और इस मॉडल में स्वयं की भावनाओं को जानना, समझना और उनका उचित प्रबंधन करना शामिल है। मिक्स्ड मॉडल जो है अंतर व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तिक, जिसके प्रवर्तक हैं डेनियल गोलमैन, जिसमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना और उनका उचित प्रबंधन करना होता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिमान है, ये जो मॉडल है, तीन है। एक तो है एबिलिटी मॉडल यानी अंतर व्यक्तिक, जिसमें हम दूसरों की भावनाओं को जानकर और फिर जो है उचित प्रबंधन करते हैं। दूसरा है ट्रेट मॉडल अंतरा व्यक्तिक, जिसमें हम खुद की भावनाओं को जानते हैं, समझते हैं, और तीसरा है मिक्स्ड मॉडल, जिसमें हम अपनी भी और दूसरों की भावनाओं को जान पाते हैं। उसके बाद देखें, एक छोटा सा टॉपिक है संज्ञान और संवेग का। संवेग को हालांकि हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। संज्ञान जो है वो अंग्रेजी शब्द कॉग्निशन से निकला है, जो कि लेटिन भाषा के शब्द कॉग्नोसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। ठीक है, तो संज्ञान का अर्थ क्या है? किसी भी चीज को जानना। तो संज्ञान जो है यह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानार्जन होता है, यानी हम किसी चीज को कितना अच्छे से बखूबी तरीके से जान सकते हैं, यही संज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य जिस परिवेश वातावरण में रहता है उसमें विद्यमान व्यक्तियों या घटनाओं के प्रति जानकारी, ये क्या है? संज्ञान है।
तो देखिए परिभाषाएं देखिए, बेबिस्टर का कहना है कि जानकारी ज्ञान प्रत्यक्षीकरण की क्रिया जो है वह क्या है, संज्ञान है। संज्ञान का अर्थ ही क्या होता है, जानना। जो भी हमारे सामने चीजें चल रही हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, संज्ञान है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, हम इनको जान रहे हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचार, अनुभव, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, संज्ञान कहलाती है, कॉग्निशन कहलाती है। हिलगार्ड का कहना है कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में और अपने वातावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, समझ और धारणा अर्जित की है वही क्या है, संज्ञान है। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये संज्ञान का। संज्ञान की विशेषताएं क्या होती हैं, संज्ञान जो है एक विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी कि हम जब पैदा होते हैं जब ही से हम बहुत सारी चीजों को जानना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे संज्ञान में आ जाती है, हम इन चीजों को सीख जाते हैं और हम इनको क्या कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। तो ये जो है एक अर्जित योग्यता है, इसमें प्रतीकों का प्रयोग होता है। तो संज्ञान में हमारे जो भी चीज एंटर हो रही है, जिनको हम जान रहे हैं, तो उसका आधार क्या है, कोई ना कोई सिंबल है, कोई शब्द हो सकता है, वाक्य हो सकता है, कोई चिन्ह हो सकता है, कोई प्रतीक हो सकता है। संज्ञान के विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति और पूर्व अनुभवों का योगदान भी होता है। संज्ञानात्मक संरचना जो है, संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जो प्राचीन समय में था वो बदल गया है इस वक्त, आगे के समय में और भी चीजें जो है वो बदल जाएंगी। तो जो संज्ञान यानी जो चीजें हम जान रहे हैं, इसमें इस जो स्ट्रक्चर जो है इसका, ये बदलता रहता है टाइम टू टाइम। संज्ञानात्मक संरचना में तार्किक चिंतन का विशेष महत्व होता है और संज्ञान के विकास में बौद्धिक योग्यता जो है इसका बड़ा महत्व होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहला है वंशानुक्रम, यानी कि जिस परिवार में बालक रह रहा है तो उस परिवार के सदस्य जो है यदि अत्यधिक संवेगात्मक होते हैं तो बालक जो है वह भी उसी प्रकार का हो जाता है। यदि परिवार में शांति है, सुरक्षा है, आनंद है, तो बालक जो है वह भी उसी प्रकार के संवेग जो है उसमें मिलेंगे। दूसरा है वातावरण, जिस तरीके का माहौल जो है बालक को मिलता है, जिस तरीके का माहौल व्यक्ति को मिलता है, उसी तरीके का विकास जो है उसके संज्ञान में होता है, उसी तरीके की जानकारी जो है वो ग्रहण करता है। ठीक है, लिंग जो है वह भी प्रभावित करता है संज्ञानात्मक विकास को, उम्र जो है वह भी प्रभावित करती है कि कौन सी उम्र जो है उसमें कितना अधिक जानकारी जो है वो ग्रहण की जा सकती है। ठीक है, तो एज जो है वह भी प्रभावित करती है, शिक्षा जो है वह भी प्रभावित करती है, यानी कि व्यक्ति जो है यदि एक व्यक्ति जिसको शिक्षित किया जा रहा है तो उसका जो नॉलेज गेन करने की जो क्षमता होगी वो अत्यधिक होगा बजाय दूसरे व्यक्ति के जो कि अशिक्षित होगा। तो शिक्षा जो है वह भी प्रभावित करती है संज्ञानात्मक विकास को। जनसंचार जो है वह भी प्रभावित करता है, क्योंकि जनसंचार के माध्यम से व्यक्ति जो है बहुत सारी चीजों को सीखता है, नई नई जानकारियां जो है वो ग्रहण करता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम है, वातावरण है, लिंग है, आयु है, शिक्षा है, जनसंचार है। उसके बाद देखें टॉपिक है आपका संज्ञान और संवेग, तो जिसमें संवेग को हम बहुत अच्छे से पहले ही समझ चुके हैं कि संवेग यानी इमोशन क्या होते हैं, व्यक्ति की वह उत्तेजित दशा होती है। ठीक है, जो कि अंग्रेजी शब्द इमोशन से बना है और लेटिन भाषा का शब्द है इमोवर, जिसका अर्थ क्या है, उत्तेजित करना। तो संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जो है उत्तेजित हो जाता है, और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों द्वारा इसको पहचाना जा सकता है। यदि व्यक्ति हंस रहा है, खुश है वो, तो उसके चेहरे को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि वो आज बहुत खुश है। ठीक है, उसका जो चेहरा है वो खिल जाता है। यदि वह क्रोध कर रहा है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह उसका लाल हो जाता है। ठीक है, यदि वो डर रहा है उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। ये जो शारीरिक परिवर्तन है इनके द्वारा हम संवेगों को पहचान सकते हैं। परिभाषाएं देखिए, वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग जो है वो व्यक्ति की कैसी दशा है, उत्तेजित दशा है। रॉस का कहना है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है, जर्सील्ड का कहना है कि किसी भी प्रकार का आवेश आने
भड़क उठने और उत्तेजित होने की दशा ही क्या है, संवेग है। और जो व्यक्ति इन संवेगों पर कंट्रोल कर लेता है तो उसकी संवेगात्मक बुद्धि जो है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और वही व्यक्ति जो है वो अधिक बुद्धिमान कहलाता है। संवेग की विशेषताएं क्या हैं? संवेग में तीव्रता होती है और शीघ्रता का गुण होता है। संवेग जो है वो परिवर्तनशील होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति जो है वो क्रोध कर रहा है तो लगातार जो है वो क्रोध करता ही चला जाएगा। संवेग में सुख और दुख की भावना दोनों ही होती हैं। तो संवेग दो प्रकार के होते हैं, एक सुखद संवेग और एक दुखद संवेग। संवेग जो है वो क्षणिक होते हैं, यानी कुछ पल के लिए होते हैं और अस्थायी होते हैं। संवेग जो है कैसी दशा है? एक जटिल दशा है, इतनी आसान नहीं है। और इसी वजह से जो है मैंने आपको कहा कि संवेग जो है वो ऐसी दशा होती है, ऐसी कठिन जटिल दशा होती है कि हर व्यक्ति जो है इस पर काबू पा ले, नियंत्रण जो है इस पर कर ले, तो इतना आसान ये नहीं है। संवेगों के प्रकार, संवेग दो प्रकार के हैं। सकारात्मक संवेग, जिनको सुखद संवेग कहते हैं, ऐसे संवेग जो उत्पन्न होने पर स्वयं को या किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो ऐसे संवेग जो है सकारात्मक संवेग कहलाते हैं। जैसे दया है, प्रेम है, हर्ष है और आमोद है। तो ऐसे संवेगों से किसी को भी नुकसान नहीं होता है और खुद को भी नुकसान नहीं होता है। दूसरा है नकारात्मक संवेग, दुखद संवेग, ऐसे संवेग जो उत्पन्न होने पर स्वयं को भी नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखता है तो खुद भी अंदर वो जल रहा होता है, ठीक है। तो नकारात्मक संवेग ऐसे संवेग होते हैं, खुद को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं और दूसरों को भी पहुंचाते हैं। जैसे भय है, क्रोध है, घृणा है और ईर्ष्या है। फिर देखिए, ब्रजेश के अनुसार एक जो छोटा बच्चा है, नवजात शिशु जो है, उसमें प्रारंभिक संवेग जो है अकड़न नाम का संवेग उसमें पाया जाता है, ठीक है। हम देखते हैं कि छोटा बच्चा जो है वो हमेशा अकड़ता है, तो वो क्या है? संवेग है। 1 महीने में जो है पीड़ा संवेग जो है वह महसूस करता है, 3 माह में आनंद संवेग आ जाता है, 6 महीने में भय और क्रोध संवेग आ जाता है, 10 महीने में प्रेम संवेग आ जाता है, 15 महीने में ईर्ष्या संवेग और 2 वर्ष तक आते आते खुशी संवेग जो है वो डेवलप हो जाता है। अब देखिए, सामान्य तथ्य क्या है? हमने संज्ञान और संवेग को पढ़ा तो हमने देखा कि दोनों ही संवेग जो है वो क्या है? भावनाएं हैं। और संज्ञान क्या है? किसी चीज का ज्ञान या जानकारी है, ठीक है। तो संज्ञान और संवेग जो है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वहीं जर्जोक का क्या कहना है कि संज्ञान और संवेग जो है वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो ये दो पॉइंट जो है वो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में ये आ चुका है। यदि जर्जोक का नाम नहीं आता है तब आप क्या करेंगे कि संज्ञान और संवेग जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये जनरल फैक्ट है। और जर्जोक का नाम आ जाए तब आप जो है ये याद रखेंगे कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है और टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।